हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में एक वैकेंसी आई हुई है और वैकेंसी के साथ साथ इन्होंने न्यू कैलेंडर भी जो है अपडेट कर दिया है। तो दोनों अपडेट बताने वाला हूँ मैं एक साथ आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी समय से जो है इस पर कोई भर्ती नहीं आई है, आई भी है तो अटकी हुई है, टीचर्स की भर्ती अटकी हुई है और हमें तो इससे उम्मीद नहीं थी कि भी ऐसे टाइम पे ये जो है वैकेंसी की बात करेगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम हो रहे तब इन्होंने कुछ नहीं किया और अब तो जो एग्ज़ाम हो ही नहीं पा रहे हैं तो अब इन्होंने जो है वैकेंसी क्यों ला दी है। कोई बात नहीं, वैकेंसी आई है तो अच्छी बात है। तो वैकेंसी कौन सी है, क्या है, सारी बातें करेंगे और न्यू कैलेंडर जो है वो भी हम बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। और फ्रेंड्स, अगर ऑनलाइन फ्री स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि जितनी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाए और गवर्नमेंट रिलेटेड जितना भी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी नोटिफिकेशन मिलता है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चले चलेंगे वेबसाइट पर और देखेंगे क्या नोटिफिकेशन है, कहाँ से कैसे क्या आपको डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB, ठीक है। तो यहाँ पर आप आएंगे ऊपर, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आएंगे तो ये यहाँ पर दिख जाएगा। दो नोटिफिकेशन है, एक तो ये हमारे काम का नहीं, नीचे वाला, ऊपर वाला काम का एडवर्टाइजमेंट फॉर डिप्टेशन रिक्रूटमेंट PEB। तो PEB में जितने भी जो रिक्रूटमेंट होते हैं, जो उसमें काम करते हैं, जो उस PEB को, PEB में जो भी जितने भी लोग काम करते हैं उससे रिलेटेड जो है वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको इसका ओपन इन PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो इसने बता दिया तो हम क्या करते हैं, इसको PDF को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास ओपन है, तो यहाँ पर ओपन कर ली मैंने, ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास ओपन थी। तो यहाँ पर लिखा है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल, ठीक है। उसका लिखा है यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट लिखा है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा निम्नलिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, पदों का विवरण आपको नीचे दिया है, ठीक है, ओके। तो नीचे दिया है ये तो पद है, यहाँ पर पहला पद है संयुक्त नियंत्रण परीक्षा, जो नियंत्रण परीक्षा है उसके उसके लिए 4 वैकेंसी हैं, वेतन वाली बात नहीं है, योग्यता रहेगी यहाँ पर, ये सारी योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उप नियंत्रक जो है, नियंत्रक मतलब जो महानिदेशक होते हैं उनकी बात हो रही है। तो 3 वैकेंसी हैं यहाँ पर। संयुक्त संचालन यानी प्रशासन और स्थापना की बात करें यहाँ पर तो 2 वैकेंसी हैं, उप संचालन की 2 वैकेंसी हैं और सहायक संचालन की 1 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये जो है PEB में जो भी लोग काम करते हैं, ठीक है, संस्थापक हैं या संयुक्तक नियंत्रक हैं, ठीक है, उन लोगों की यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ पर किसी शासकीय अर्थशासकीय कार्यालय में न्यूनतम वेतन में कार्यरत हो, ठीक है, और किसी शासकीय अर्थशासकीय कार्यालय में न्यूनतम वेतन में कार्य, ये थोड़ी सी क्या है, इसमें शासकीय और अर्धशासकीय की बात हो रही है, यहाँ पर कार्यालय होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो है इस ऐसे व्यक्तियों के लिए जॉब है जिनके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ऑलरेडी बताई गई हैं कि भाई आपको जो जॉब है उसमें थोड़ा बहुत पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए, शासकीय अर्धशासकीय की बात है, ठीक है। उपयुक्त पत्र यहाँ पर जहाँ लिखे हुए नीचे, ये सारी चीज़ यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आवेदन पत्र की दिनांक जो है वो 10/8 यानी कि 2020 से है, 5:30 तक रहेगी, ठीक है, ओके। तो आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर लिखी हुई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पर नामांकन वगैरह कैसे, समय सीमा है, सारी चीज़ें नीचे यहाँ पर आप फॉर्म जो है भर सकते हैं, ये फॉर्म पूरा आपको भरना होगा, ये फॉर्म यहाँ से भर जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं पूर्णांक वगैरह जो है, आपकी मार्कशीट वगैरह यहाँ पर फॉर्म जो है इस प्रकार से डाउनलोड करके आपको भरना है। तो बात कर लेते हैं आप किस चीज़ की बात कर लेते हैं भाई, जो हमारा कैलेंडर आया है उसके बारे में, तो कैलेंडर आया है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम शेड्यूल पर क्लिक करिए, एग्ज़ाम शेड्यूल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये, ओके। तो ग्रुप डी फार्मास्यूटिकल यहाँ पर देखिए ये है, ओके, बी फार्म वाले के लिए, लैब असिस्टेंट वगैरह के लिए कम्बाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है, विल डिक्लेयर सून, पता नहीं है, ठीक है। ग्रुप 3 की बात हो रही है, सब इंजीनियर ड्राफ्टमैन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होगा वो कम्बाइंड टेस्ट है, 5 से 8 सितंबर 2020 को होगा, ठीक है, ऐसा बोला इन्होंने, ओके। उसके बाद सब ग्रुप 4 रिक्रूटमेंट जो है वो होगा 12 से 13 सितंबर को, मतलब बहुत जल्दी, ठीक है।
ओके, कौशल विकास संचालन या जो है ट्रेनिंग ऑफिसर है आईटीआई वाले की, तो ये 17 से 20 अक्टूबर के बीच में होगी, ठीक है। जेल प्रहरी की भी एग्ज़ाम होगी भाई 24 अक्टूबर 2020 को। तो भाई एग्ज़ाम फॉर्म तो आई नहीं है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बोल रहे हैं, तो पता नहीं कितनी सच्चाई है, लेकिन हो सकता है अगर ये अच्छा अगर करें तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें तो जो मतलब वैकेंसीज तो इन्होंने बहुत कम निकाली पिछले 2 सालों में, इनकी वैकेंसीज कंप्लीट ही नहीं हुई है, और जितनी निकाली उतनी कंप्लीट नहीं हुई, और जो निकाल और अब निकाल रहे हैं जैसे ऐसे टाइम में इस टाइम कंप्लीट होने का चांसेस ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, अपडेट कैसी लगी, अगर अच्छी लगी अपडेट तो फ्री वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो शेयर नहीं करिए शेयर करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।